बच्चों आज के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर द्वारा रचित पवन दूतिका पढ़ाने जा रहे हैं। पवन दूतिका पढ़ने के पहले आप लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हरिओर जी जो थे ये द्विवेदी युग के प्रचलित कवि थे और गद्य लेखक भी थे। इनका जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गाँव में सन 1865 ईस्वी और संबत 1922। इनका जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी और संबत 1922 ईस्वी में हुआ था। बच्चों संबत और सन में अंतर होता है। इनके पिता का नाम भोलानाथ सिंह था। इनके पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेदी सनातन ब्राह्मण थे जो बाद में सिख धर्म स्वीकार कर लिए थे, जो बाद में सिख हो गए थे। ए इनकी मिडिल पढ़ाई पास करने के बाद एक काशी क्वींस कॉलेज में अपनी अगली कक्षा के लिए एडमिशन कराए, लेकिन तबीयत खराब होने के नाते इनकी बीच में पढ़ाई छूट गई, इनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। बाद में घर पर ही रहकर संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं का अध्ययन किया और कुछ दिनों के बाद ये निजामाबाद तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसको भी छोड़कर एक कानून गो पद पर काम किए, लेकिन 20 साल तक कानून गो पद पर कार्य करने के बाद एक काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए जो अवैतनिक कार्य किए, क्योंकि इनकी रुझान पहले से ही अध्यापन कार्य पर ही थी। इन्होंने रचनाएं की, इन्होंने पहली रचनाएं अपनी, इन्होंने जो पहली रचना करते थे ये ब्रज भाषा में करते थे। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने से ये खड़ी बोली भाषा में काव्य की रचना करना शुरू किए। इनकी कुछ कृतियाँ जिसको हम आपको बता रहे हैं, इनकी कृतियों को हम आपको बता रहे हैं जैसे नाटक में लिखा है प्रद्युम्न विजय। इनके नाटक का नाम है प्रद्युम्न विजय और दूसरा नाटक लिखा है रुक्मिणी पहले। इनका पहला नाटक बच्चों है प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी पहले मुख्य नाटक है। इन्होंने कुछ उपन्यास
तीसरा इनका काव्य है बैदेही, बैदेही बनारस। हरिराव जी 15 से अधिक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें से इनके तीन काव्य ग्रंथ मेन है, मुख्य है, पहला प्रिय प्रवास है, दूसरा पारिजात, तीसरा वैदेही बनारस है। जिसमें से पहला जो इसमें से जो पहला काव्य ग्रंथ है, इसमें का जो पहला काव्य ग्रंथ है, एक खड़ी बोली में लिखा गया पहला काव्य ग्रंथ है। हरिओम जी ने खड़ी बोली में जो पहला काव्य ग्रंथ लिखा था उसका नाम है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखा गया पहला काव्य ग्रंथ है। खड़ी बोली में हरिओम जी की मृत्यु सन 1947 ईस्वी और 2004 संबत में हुए, सन 1947 ईस्वी में और संबत 2004 में हुआ है। हरिओम जी की मृत्यु 1947 ईस्वी और संबत 2004 में हुआ। अब आप लोगों को हम पवन दूतिका पढ़ाएंगे। आप इसको देखिए, आपको इस पद का व्याख्या देखिए। बैठी खिन्ना एक दिवस में गिरह में थी अकेली, आके आंसू दिन युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध खोले, प्रातः वाली सुगमन इसी काल वातावरण से। अब इसका पहले आप लोग मीनिंग कर दीजिए। खिन्ना माने होता दुखी या उदास, एक माने होता है एक, दिवस माने दिन, गृह माने घर होता है, दृग माने नेत्र होता है, युगल माने दोनों, धरा माने पृथ्वी होता है, सदन माने घर होता है, पुष्प सगन है, पुष्पों के समान सुगंधित, प्रातः वाली सुपवन, सुपवन माने होता है सुगंधित पवन, सुगंधित हवा, सुगंधित हवा, वातायनों, वातायनों माने होता है खिड़कियां, खिड़कियों से, झरोखों से, प्रसन्नताओं से, संतापों, संतापों माने दुख होता है, विपुल माने अधिक। बच्चों, यह उस समय की बात है जब